please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ग्रेटर नोएडा में जो दो इमारतें गिरी उनमें एक इमारत में एक महिला कुछ दिन बाद ही शिफ्ट होने वाली थी। महिला ने दावा किया कि वो उस इमारत में अपना घर खरीद चुकी थी और उसकी एवज में मोटी रकम भी दे चुकी थी। देर रात से जैसे ही पूरी खबर सामने आई, हर लोग यही जानना चाहता है कि कमियां कहां पे हुई, क्योंकि चूक हुई है और लापरवाही हुई है। एक महिला हमारे साथ है, परिवार हमारे साथ। आप कह रहे थे कि आपने भी बुकिंग कराई थी इस करवाई नहीं थी, मैं खरीद चुकी हूँ सर, रजिस्ट्री हो चुकी है, 22 लाख रुपए में भर चुकी हूँ, ऊपर से मैं 2 लाख रुपए उसमें लगा चुकी हूँ। मैंने बुक नहीं करवाया, मैं खरीद चुकी हूँ, 2 दिन बाद में शिफ्ट होने वाली हूँ उसमें। ये बिल्डिंग मटेरियल जो रात से आप लोगों ने देखा, अचानक ताश के पत्तों की तरह पूरी बिल्डिंग, 5 बजे मैं होके गई हूँ, अचानक से बिल्डिंग गिर गई। अभी कितने लोग रह रहे थे इसके अंदर? 15-20 जने रह रहे थे, नीचे मजदूर सोते थे रात को। अभी कभी कासिम से आप लोगों ने खरीदा? हाँ। कासिम से कभी आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल को लेके या फिर इसमें कुछ कमियों को लेके कभी आप लोगों ने बातचीत? वो तो कहते हैं बहुत बढ़िया सर, वो तो कह रहे थे हम पूछा मटेरियल कैसा है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है, ये है वो है, आप देख लो फाउंडेशन आपके सामने। सर हम इसके अंदर तो नहीं गए थे ना, ऊपर से मजबूती लग रही थी, लेकिन ये अंदर क्या लगा रखा किसी ने मुझे नहीं पता। अगर आप मेरी जगह होते आप बताओ आप क्या करते? आप ऊपर से तो देखेंगे ना, इतना तो मैं डीपली नहीं जाऊंगी। मैं एक मुझे अपने बजट में ये सही लगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। ये जो सीवर वगैरह की बात रही, 2 साल में तो ये होना था, 3 साल में कच्ची कॉलोनी बनने में टाइम लगता है। पूरे फ्लैट ऑक्यूपाइड हो चुके थे, सबने खरीद लिया? हाँ सर। कितने फ्लैट थे इसके अंदर? 20 फ्लैट थे, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट थे, सारे 2 BHK फ्लैट थे ये, 750 स्क्वायर इसका एरिया था। कब ये बन के तैयार हुआ था? सर 1.5 साल हुआ, 1 साल पहले हुआ है। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने वाले राहुल गांधी के कथित बयान पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर कुछ दिनों की चुप्पी के बाद राहुल गांधी ने भी सामने आकर अपनी सफाई दी, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया। ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मैं कतार में खड़े सबसे आखिरी शख्स के साथ हूँ, शोषित हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के साथ हूँ। उनका धर्म, उनकी जाति, आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूँ। मुझे सभी जीवों से प्यार है। मैं कांग्रेस हूँ। राहुल गांधी का रुख सामने आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर उनके बयान के पक्ष में मजबूती से सामने आई। राहुल गांधी जी ने व्याख्या की है कि कांग्रेस क्या है। पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति की पीड़ा को समा लेने वाली ताकत का नाम कांग्रेस है। लेकिन राहुल और कांग्रेस की सफाई के बाद भी बीजेपी ने हमला जारी रखा। कहीं भी इसका खंडन कि हाँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इसका खंडन इस ट्वीट में नहीं है। इट इज अ कन्फेशन। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी भी बता दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी एक गाय पर चढ़ा दी। आरोपी की पुलिस वालों ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी से उस गाय को टक्कर मार दी। लेकिन जब लोगों ने पुलिस वालों को रोका तो गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने दोबारा गाय को रौंद दिया। गाय को कुचलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इस वीडियो में पुलिस की गाड़ी गाय को बेरहमी से कुचलती दिखी। हम लोग बहुत बोले तो भैया मत मारो ऐसा करके, तो फिर जानबूझ के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के वो सीधा यहाँ से गाड़ी निकाला तो वहाँ फेंका तो गाय को फेंका के इधर। हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने गाय को सड़क से हटाया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहाँ के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए। पाकिस्तान के कराची में रहने वाले मेहरोज का डांस सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा। पंजाबी गाने लॉन्ग लाची के बाद अब उन्होंने अपने डांस का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें मेहरोज माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के हिट गाने पर डांस करते दिखाई दिए। काले कपड़े पहने मेहरोज इस वीडियो में माधुरी दीक्षित की तरह थिरकते दिखे। इससे पहले मेहरोज ने कराची के एक मॉल में पंजाबी गाने लॉन्ग लाची पर डांस कर सुर्खियां बटोरी थी। मेहरोज के उस वीडियो को सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। मीडिया पर मेहरोज के डांस को देखने वालों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेहरोज भी भारत के संजीव श्रीवास्तव की तरह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के डांसिंग स्टार बन गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग घुनघुट्टा नदी में खड़े हो गए। इस नदी पर पुल की मांग करते हुए इन लोगों ने जल सत्याग्रह किया और प्रदर्शन करते हुए वो नदी में खड़े हो गए। प्रदर्शन करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थी। गांव वालों का दावा है कि नदी पार करते वक्त एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने वहां के विधायक के साथ प्रदर्शन करने का फैसला लिया। ट्यूब होता है उसमें बैठ करके उस पार जाते हैं,
इसके कारण कई अभी तक घटना हो चुका है। नदी में जल सत्याग्रह की जानकारी मिलने पर वहां के एसडीएम मौके पर पहुंच गए और लोगों को मनाने में जुट गए। गंभीर मांग है, मैंने तुरंत इसको कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, इसकी स्वीकृति कलेक्टर मैडम के द्वारा दे दी गई है। नदी पर जल्द ही पुल बनने के प्रशासन के भरोसे के बाद गाँव के लोगों ने अपना सत्याग्रह बंद कर दिया और वो नदी से बाहर निकल आए। श्रीनगर में बड़ी संख्या में धरने पर बैठे टीचर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े इन शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तनख्वाह दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे सभी टीचर वहां तैनात पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी टीचरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा। हालात पल पल बिगड़ते गए और टीचरों का गुस्सा भी बढ़ता गया। इसके बाद उन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। करीब एक घंटे तक श्रीनगर की सड़कों पर टीचरों का हंगामा जारी रहा। हालांकि हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से तितर बितर हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ महिलाएं एक शराब की दुकान के बाहर नारेबाजी करने लगी। आरोपी की शराब की ये दुकान उस इलाके में बने एक मंदिर से महज 20 कदम की दूरी पर खोली गई, जिसके बाद मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने से गुस्साई महिलाएं वहां पहुंची और नारेबाजी करने लगी। जो हमसे करता आएगा, दूर दूर हो जाएगा। दावा किया गया कि आसपास रहने वाले लोगों ने पहले भी इलाके में अवैध शराब की एक दुकान को बंद करवाया था, लेकिन इसके बावजूद दूसरी दुकान को खोलने की इजाजत दे दी गई। गुस्साए लोगों ने वहां की पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। पुलिस से कहते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं, हमें कहते हैं डीएम साहब के ऑर्डर है, जबकि हमने उनसे एक पेपर लिया तो उसमें जिला आबकारी साहब के वो है हमारे पास सिर्फ एक महीने का। शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए पहुंची महिलाओं ने कुछ देर मौके पर धरना भी दिया। नहीं चलेगी। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द शराब की दुकान को बंद नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा हटाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ से पैसों को लेकर चल रहा विवाद अब तक सुलझा नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डीआईएएल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का सीआईएसएफ पर करीब 600 करोड़ रुपए बकाया है। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा में तैनात होते हैं, जिसके लिए डीआईएएल को हर साल एक तय रकम सीआईएसएफ को देनी होती है, लेकिन आरोपों के मुताबिक पिछले 7 साल से डीआईएल ये रकम कुल बकाया से कम दे रहा है और बकाया हर साल बढ़ता जा रहा है और अब 600 करोड़ तक पहुंच गया। इसलिए मामले की शिकायत गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से करते हुए कहा है कि मामला नहीं सुलझा तो उनके पास सुरक्षा हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम यात्रियों ने भी डायल सुरक्षा शुल्क के नाम पर अलग से पैसे लेती, लेकिन डीआईएल का दावा है कि सीआईएसएफ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत जारी है और जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। यूपी के शामली में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने दो बदमाशों को घायल कर पकड़ने में कामयाबी पाई। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि उसे लूट के इरादे से इलाके में घूम रहे 4 बदमाशों के बारे में खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने गिरफ्त में आए बदमाशों से भारी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा किया है। साथ ही ये दावा भी किया है कि मुठभेड़ के समय बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिससे एक सिपाही घायल हो गया। जनपद की टीमों को इकट्ठा किया गया है, आसपास की जितने भी खेत और आसपास के क्षेत्र में कॉम्बिंग किया जा रहा है, जो बदमाश भागे उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो बदमाश वहां पे जो भी योजना बना रहे हैं, जो भी उनसे पूछताछ की जा रही है। देश भर में भीड़ के हाथों हो रही हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में सिफारिश की कि हिंसा के इन मामलों के लिए संसद अलग से कानून बनाए, जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और इसकी जिम्मेदारी राज्यों की। सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि भीड़ की हिंसा अपराध है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। कोर्ट ने भीड़ की हिंसा के शिकार लोगों को 1 महीने में मुआवजा देने के साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना कराने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए। इतना ही नहीं, पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भीड़ की हिंसा के मामलों में ईमानदारी से कार्रवाई की जानी चाहिए। Honorable Supreme Court has said that it is the duty of states to ensure an inclusive social order. No mobocracy can be allowed in a democracy and all such acts must stop. Court ne sakht rukh dikhate hue 4 hafte ke bhitar kendra aur rajya sarkaron ko ye disha nirdesh lagu karne ko kaha.
इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं पर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी और इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए थे। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने एक बार फिर इन घटनाओं के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री जी, आपको राजधर्म की याद दिलाई है, अब सुप्रीम कोर्ट में अब आपको जवाब देना पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर मॉब लिंचिंग करने वालों को जो सजा याफ्ता है उनका अपने घर को बुलाकर उनको फूल का हार पहनाएगा, तो आप तो इनकरेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी के प्रवक्ता सरकार का बचाव करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी कई बार इसके बारे में कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि कानून बनाओ, कानून पार्लियामेंट बनाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।